हेलो स्टूडेंट्स, आज यानी कि 22 जनवरी 2023 को जो RSCIT का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो आपसे 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी 35 क्वेश्चंस के आंसर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास बुकलेट की जो सीरीज है ABCD यानी कि इन चारों सीरीज में कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बुकलेट को ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे, ताकि आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी बुकलेट की सीरीज के अकॉर्डिंग उसका आंसर मैच कर सकते हो और बाद में आप अपनी ओमआर सीट के साथ इसका मिलान कर लेना। तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास में है डी सीरीज की बुकलेट और डी सीरीज के बुकलेट का पहला जो क्वेश्चन है कि सेविंग एक प्रक्रिया है। तो सेविंग एक प्रक्रिया कौन सी होगी? कि मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की। तो पहले क्वेश्चन का एक नंबर आंसर राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, CPU और मेमोरी कहां स्थित होते हैं भाई? मदरबोर्ड में होते हैं। तो यानी कि दो नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और उसके बाद में तीन नंबर क्वेश्चन डी सीरीज का, FTP का पूरा नाम क्या रहेगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि तीन नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो वीडियो को फटाफट से आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? तो हमें अगर कोई भी प्रेजेंटेशन की फाइल बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो चार नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करने में सूचना बदलने में काम आता है डेटा का। तो डेटा का उद्देश्य होता है प्रोसेस करना और उसके बाद में सूचना में कन्वर्ट करना। तो पांच नंबर क्वेश्चन का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छह, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग नियमित रूप से उपयोग में कर सकते हैं? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये हमारे सोशल मीडिया के पार्ट्स हैं। तो छह नंबर का सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सात की, तो जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं भी? स्पैम ईमेल होते हैं हमारे। तो सात नंबर का एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल बस सीरियल बस। आठ नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन, TB KB GB MB मेमोरी को इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें बड़ी सी छोटी की तरफ चलना है। तो सबसे बड़ी इकाई होती है वो TB है, उसके बाद में GB, फिर MB, फिर KB। तो यानी कि नौ नंबर का आपका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी कि CD RA का क्या चीज है भैया? रीड ओनली, राइट वंस रीड ओनली, यानी कि 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने में फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हट जाता है और रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें क्या आंसर रह जाएगा भी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है भी? हमारी जो फाइल होती है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। और क्वेश्चन इसका कथन सेकंड क्या आ जाएगा? विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते द्वितीय सेटिंग और वरीयताओं जैसे कि डेस्कटॉप कस्टम की अनुमति देते हैं। तो यानी कि विंडो 10 के प्रत्येक यूजर के पास भी इसकी अनुमति होती है। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 12, एनिमेशन जैसे प्रभाव जो जब होते हैं तो आप MS PowerPoint 2010 में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड में दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो सही एड्रेस हमेशा पहला क्या होता है भी? सेल का जो हमारा कॉलम नंबर होता है वो दिखता है और उसके बाद में रो संख्या दिखती है। तो यानी कि 13 नंबर का बी ऑप्शन है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, URL का एक मान्य उदाहरण है। तो राइट आंसर, URL के अंदर क्या करते हैं? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस हम लिख सकते हैं। तो 14 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का आप मिलान कर लीजिए। MS Word किसका पार्ट है भाई? दस्तावेज का। स्लाइड किस में बनती है? पावर पॉइंट में। और शीट किसके अंदर बनती है? MS Excel के अंदर। तो अब आप इसके साथ मिलान कर लीजिए, पहले का रहेगा R और उसके बाद में स्लाइड का रहने वाला है पावर पॉइंट के साथ में। तो यानी कि उसका राइट आंसर और इसका जो MS Excel है उसका रहेगा शीट, यानी कि सेकेंड का रहेगा Q और P का रहने, दो नंबर का रहने वाला है P के साथ में। तो आप इसके साथ अपना आंसर है जो मैच
जरूर कर लीजिए। राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडो एक्सपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सत्रह नंबर, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स में क्या होता है भी, जहां स्थान से ईमेल भेजे गए ईमेल रखा जाता है, एक स्थान जहां अवांछनीय फाइल रखा जाता है, एक स्थान जहां हटाया गया ईमेल को रखा जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो ईमेल क्लाइंट के इनबॉक्स में क्या होता है, जो हमारे पास मेल आती है वो रहती है, भेजी गई मेल सेंट मेल में होती है, तो इसमें से कोई नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उपयुक्त का आप सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो 18 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में ईमेल फील्ड में दिए गए जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते से देख पाएगा? तो सही इसका आंसर क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, एमएस एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाई ओर सेल का पता क्या रहता है? सबसे फर्स्ट के अंदर रहता है A1 का। तो 20 नंबर का क्वेश्चन ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में एक टूल जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है, तो आज सही आंसर रह जाएगा इसके एक्सेल के अंदर गोल सिक का, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के माध्यम से सुरक्षा एक के रूप में किया जाता है, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड। तो 22 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। एमएस वर्ड में 2010 में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी बटन दबाने से क्या होता है? एक कंट्रोल एक्स का यूज होता है फाइल को कट करने के लिए और कंट्रोल सी का होता है कॉपी करने के लिए। तो टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का, यानी कि 23 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, यदि कोई कंपनी ब्रोशर कंपनी के प्रत्येक पेज के कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या यूज करेगी भी? फुटर का यूज किया जाता है। तो 24 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग की जाती है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। 26 नंबर, एमएस पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम की प्रतिशत क्या रहती है भी? 400% तक हम कर सकते हैं। तो 26 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है क्या कहलाता है भाई? इंटरनेट। 27 नंबर का डी ऑप्शन। वेबसाइट का एक मुख्य पेज जो कि जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार का रूप में कार्य करता है, तो होम पेज। तो 28 नंबर का बी ऑप्शन। 29 नंबर, एक सीडी फाइल में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग। 29 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल में फॉर्मेट में कैसे सेव करोगे? फाइल पे जाएंगे, टैब पे जाएंगे, सेव एज में और सेव एज टाइप के अंदर पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। तो 30 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज में विकल्प छवि को कंप्यूटर में प्रोजेक्टर के बीच में विभाजित किया जाता है जब आप प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो इस तरह आप कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं, तो एक्सटेंड से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वेबसाइट www.irctc.co किससे संबंधित रखती है? भारतीय रेल से। तो 32 नंबर का ई ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर का टूल है जो सुरक्षा करता है, नेटवर्क से भी करता है, फायरवॉल फायर से भी करता है और व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए नहीं है, सर्वर के लिए। तो यानी कि 1 2 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा एक छवि ग्राफिक में फाइल में प्रारूप नहीं है? तो GUI, यानी कि PNG की भी एक ग्राफिक बन सकती है, GIF बन सकती है, BMP भी बन सकती है, GUI नहीं हो सकती। तो 34 नंबर का डी ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो स्कैनर एक इनपुट का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन। आप अपनी वीडियोज को पॉज करके आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग इसको मिलान कर सकते हो ओमर शीट के साथ में।